तथा संस्कृति से जोड़ने वाले आयोजन लगातार समाज में किए जाते हैं, जिससे समाज में धार्मिक अस्मिता बनी रहे। इसी कड़ी में मंगलवार को यमुना विहार स्थित रथ वाला मंदिर में माँ ज्वाला भजन एवं हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा, मनीष रावल, रिंकू शाह, विजय बंसल, सोनू दीवाना एवं समाज सेवी विनोद बंसल उपस्थित रहे। समारोह का शुभारम्भ माँ की ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। हम अपने यमुना विहार श्री चार रथ वाले मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन किया है। ये पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए है, सभी के लिए। सब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, सभी मंदिर से जुड़े हुए हैं और हम भगवान के नाम के लिए यहाँ पर ये आज का भजन कीर्तन का आयोजन किया हमने। ये बहुत अच्छी झांकी यहाँ दिखाई है, हनुमान जी के रूप में बहुत सुंदर झांकी रही है और हम बाबा हनुमान जी का के चरणों पर अपना चरण स्पर्श करते हैं कि उन्होंने अपने दर्शन हमें यहाँ पर दिए। आयोजन विनोद जी का इसमें मेन सहयोग रहा है, वैसे सभी इसी चार के निवासियों का है, सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का है, सभी का ये इसमें रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस भक्तिमय समारोह में अनेकों श्रद्धालु अपने श्रद्धालीय भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे हैं। भजन सम्राट महंत श्री कृष्ण बिजली ने अपनी मधुर वाणी से भक्ति के कई अत्यंत सुंदर गीत पेश किए, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। भक्ति भाव से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने माँ ज्वाला से आशीर्वाद लेकर सुखमय जीवन की कामना की। सर, आज चार रथ वाले मंदिर में माता की भजन संध्या और रंगारंग हनुमान चालीसा का पाठ हर महीने के आखिरी मंगलवार को ये 45वीं यमुना विहार के हर मंदिरों में करने का विचार है, जैसी प्रभु की इच्छा। हरी सेवा, कोई पैसा नहीं लेते हम इसमें किसी में, सब कलाकार म्यूजिशियन प्रसाद सब फ्री होता है हमारी तरफ से। आज जो कार्यक्रम रखा गया हनुमान जी चालीसा का, ये सब हम सब लोगों ने मिल के यमुना विहार में निकाला गया। हर मंगलवार को महीने के इसी तरीके से धार्मिक प्रोग्राम हर मंदिर में किए जाएंगे, जिससे जो हमारे धर्म है वो सबके आगे आगे चलते रहें और लोग इस चीज़ का पता रहे कि हम संस्कार में आगे बढ़ाते रहें चीज़ को। यमुना विहार में सीचार वाले रथ वाले मंदिर में हनुमान चालीसा और माता के भजनों का आयोजन किया गया है। ये जो नियम है, ये नियम हर आखिरी मंगलवार हर यमुना विहार 45वीं वार्ड में हर आखिरी मंगलवार महीने में हर बार एक इसी तरह की 2 घंटे की चौकी और हनुमान चालीसा किया जाएगा प्रत्येक आखिरी मंगलवार। हनुमान चालीसा पाठ के चलते हनुमान जी की अत्यंत सुंदर झांकी पेश की गई, जिसने वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और सभी भक्तगण नन्हे मुन्ने हनुमान पर मोहित हो उठे। आज की व्यस्तता भरे जीवन में बहुत जरूरी है लोगों को धर्म तथा संस्कृति से जोड़े रखने की। समाज में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम लोगों को धर्म के प्रति सचेत करते हैं। प्रिंस सोलंकी के साथ कोमल नरेश, तेज निगाहें, दिल्ली।